यार ये जेंडर 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 पे बड़े क्लियर रहे क्योंकि सॉरी करती थी। अच्छा वो करती थी ना, मींस के मैं आपको समझाने की कोशिश यही कर रहा था कि वो करती थी। हाँ बिल्कुल सही। ओके ठीक है, फिर आपने इजहार किया। इजहार किया आगे से मतलब कबूल किया गया या कहा जाओ जाओ अपना काम करो? नहीं कबूल किया गया, पहले फर्स्ट टाइम में कबूल किया गया। तुमने कहा वाह क्या बात, अच्छा फिर? रोहन मैं आपको क्या बताऊं, सारी अब स्टोरी बता सकूं। नहीं फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके बाद चलता रहा या दिल टूट गया? नहीं उसके बाद फिर जो होता आपको पता है चैटिंग मींस, पर इतनी देर नहीं। अच्छा क्योंकि इश्क का टाइम पास नहीं है। ओके ठीक है, टाइम पास होता तो मींस 24 घंटे भी लगे रहते हैं। अच्छा, कोई मसला नहीं। और बेसिकली इसके साथ मुझे और भी बहुत चीजें देखनी पड़ती थी। ओके स्टडी भी ठीक है, घर भी। कितना अर्सा चला इश्क, अभी चल रहा है? यस अभी भी चल रहा है। वाह क्या बात है। अरे एक चीज मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, जितने लोग इनके ऊपर हंस रहे हैं ना, किया इन सब ने भी है। मसला सिर्फ ये है कि इनमें इतनी जरूरत नहीं है कि इसको बता सके, इसलिए कि जैसे मैंने कहा है कि ये वो काम है इंसान किए बगैर रह ही नहीं सकता। वो कौन है जिसके दिल में जहन में किसी एक ख्याली महबूब की कोई एक ऐसी तस्वीर, कोई तस्वीर, कोई ऐसा तखयल नहीं है जिसको देखना मिलना चाहता है? और आप भी देखना मिलना चाहते होंगे कि आज कदम कदम इश्क में हम आपको कौन से इश्क की दास्तान सुनाने जा रहे हैं। ए प्लस आज से आपके लिए जो ड्रामा सीरियल शुरू कर रहा है, जिसे आपने रात 8 बजे देखना नहीं भूलना, उसकी खूबसूरत सी कास्ट आपसे मिलने जा रही है, जिसमें आप सबके फेवरेट और बहुत प्यारे अ ब्यूटीफुल एक्टर, वंडरफुल एक्टर, लेट मी जैसे कि मैं आशिक, इस ड्रामे के आशिक, ठीक है, तो आशिक का आशिक जैसा इस्तकबाल होना चाहिए। प्लीज वेलकम अज़फर रहमान। कैसे अज़फर? बिल्कुल ठीक, पर आप कैसे? मैं जबरदस्त। अभी उन्होंने इतनी अपनी मजे की एक इश्क की दास्तान सुनाई। जी मैं सुन रहा था पीछे। मुझे चेहरा नजर नहीं आ रहा था, आप सुना द वन इन ब्लू जैकेट, लग रहे हैं आशिक जबरदस्त। अच्छा आशिक लगते कैसे? देखिए मेरे ख्याल से जो लोग अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिस तरह जो लोग अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम्ड रखते हैं, मेरे ख्याल से वो इसी लगते हैं क्योंकि उनको मोहब्बत की तलाश होती है, वो चाहते हैं कि एक्सेप्ट हो जाए कहीं। ओहो और जिनको मिल जाती है फिर उनके शेप बड़ी होती है, बाल बिखरे होते हैं। बस कहते हैं मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं। एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक पुरानी बहुत पुरानी लॉलीवुड की एक्ट्रेस थी, वो कहने लगी कि भाई पहले जमाने में तो हम बद्दुआ भी देते थे, किसी से नाराज होते बद्दुआ देते थे कि भाई जाओ तुम्हें बद्दुआ दे रहे हैं, जाओ तुम्हें इश्क हो जाए, तुझे भी इश्क हो जाए। ये बहुत बड़ी मशहूर और बड़ी मुजर्रब बद्दुआ है। हाँ कसम से वाकई जब किसी को इश्क हो जाता है तो उसका बुरा हाल हो जाता है। आपका कितना बुरा हाल हुआ है कदम कदम इश्क में? उफ बड़ा बुरा हाल। अच्छा ओहो आप लोग देखिएगा, मेरे ख्याल से प्रोमोस तो चलना शुरू हो चुके हैं। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सीरियल, बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। मेरे जो डायरेक्टर साहब है काशिफ, वो मेरा तकरीबन काशिफ जो है तकरीबन 20 साल पुराना दोस्त है और बहुत जिगर, लेकिन इसमें लग रहा था कि शायद मैं उसको जानता ही नहीं, वो जिस तरह मुझसे काम करवा रहा था। इतने लंबे लंबे डायलॉग से वन गो में बोलो ये करो पल के मत झपको, अभी कब तक आगे बंदा खोल के रखे, लेकिन नहीं झपकानी नहीं झपकानी। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट और हैड अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, आई एम श्योर आप लोगों को देख के बड़ा मजा आएगा। अब तक जो आपने सीरियल देखे हैं उसके अंदर और कदम कदम इश्क में बहुत ऑपोजिट काम है, मुख्तलिफ काम है, एक्टिंग बिल्कुल अलग है। तो यही आई थिंक हर एक्टर की जर्नी में ये बहुत जरूरी होता है। मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं आप डाई हार्ट आशिक हैं, एक नाकाम ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव नाकाम आशिक, बड़ा खतरनाक होता है ऐसा शख्स, टॉर्न फैमिली से, ब्रोकन फैमिली से, स्टॉकर भी हैं आप उसमें, स्टॉकर जितनी बुरी चीजें सब। लेकिन एक सारी बुरी चीजों को आप एक आशिक कह देना तो वो सब बुरी चीजें कैंसिल हो जाती है। बंदा कहता है बेचारा इश्क करता है, प्यार में है ना, प्यार कर रहा है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फराब, एक अजीब सी बात है, मुझे ऐसा लगता है जाती तौर पे कि इश्क हमेशा वन साइडेड होता है, और मुझे लगता है इश्क हमेशा इश्क वन साइडेड होता है। सारे सारे लड़कों ने कहा यस और लड़कियों ने कहा नहीं, है ना? लड़कियों को लगता है कि वन साइडेड होता है इश्क? दो तरफ से। अच्छा मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जो इश्क है वो वन साइडेड ही होता है, मुझे लगता है कि यूर मेल टू ना आपकी भी मर्दाना होती है। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि इश्क एक तरफा होता है क्योंकि आई थिंक मुकाबला कभी मोहब्बत या इन चीजों में हो नहीं सकता। और आई थिंक एक आदमी को हमेशा लगता है कि मैं बहुत करता हूँ हर चीज में,
अगर काम भी करता हूँ तो उसको लगता है मैं बहुत करता हूँ, अगर कुछ हजरात अगर घर में सिर्फ खाना गर्म कर ले तो कहता है यार खाना गर्म करता हूँ, सेल्फ डन वेल डन, अरे मैंने किया है ये एग्जैक्टली। अच्छा, इस पर अपनी हीरोइन का हमें तारुफ कराएं जो इस फिल्म में आपकी महबूबा रही है और महबूबा है इस ड्रामे में, हमारे कदम कदम है फिल्मी लग रहा है, इसकी बड़ी फिल्मी सी, वेरी फिल्मी फील, इसकी बड़ी रोमांटिक, बड़ा एक अरसे के बाद टेलीविजन स्क्रीन पे एक बड़ी, लेकिन हम स्टोरी आगे बात डिस्कस करते हैं, लेकिन इंट्रोड्यूस योर हीरोइन। बिल्कुल, मैं आपको मिलवाना चाहूंगा कदम कदम इश्क की हीरोइन से, इनका ये दूसरा सीरियल है लेकिन लग रहा था कि कोई 200वां सीरियल है, क्यों सिर्फ उनके नखरों की वजह से नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मैं पहले से जानता था, मेरे साथ मॉडलिंग भी कर चुकी है एंड वेरी गुड पर्सनैलिटी, बहुत शानदार एक्ट्रेस है, प्लीज लेट्स वेलकम द वेरी प्रिटी। और दूसरी चीज मजे की बता सकता हूँ, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वैसे बहुत अच्छा है, ठीक है, आप देखिएगा शो में आके वो क्या चार चांद लगाती है, मैं देखती हूं अभी कि आपके नखरों वाली बातों को कैसे रिस्पॉन्ड करती है, लेट प्लीज वेलकम अरिबा हबीब। यार ये आपका हीरो कह रहा है कि मतलब हालांकि उनका दूसरा सीरियल था लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, नखरों के अलावा एक्टिंग, मैंने नखरों की वजह से मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए लग रहा था कि कोई 200 सीरियल्स कर चुकी है, नखरा जानना चाहती हूँ, नखरा बताओ मेरा, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ नखरों की वजह से नहीं था, देखा मैं ये कह रही थी कि लड़ोगे नहीं आप, देखा बस एक चीज को पकड़ लिया, पूरी फ्लाइट लड़ते हैं, पूरी फ्लाइट लड़ते हैं, कौन जीता, ladies are always right, really, ladies are always right, ये सिर्फ वर्क उसमें होता है कि ladies are always right, नहीं मैं वैसे भी कह रहा हूँ खवातीन are always right, अब क्या बहस है, सब ऐसे चले, very good। अच्छा जी, अब हम आपको मिलवाएंगे इस ड्रामे के प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जिनके सर जाता है कदम कदम इश्क का सहरा, बिल्कुल एब्सोल्युट, और उनको आप और आप यानी असफर और अरिबा हमसे मिलवाएं, वो कौन है, चलिए तो मैं चाहता हूँ कि हम सब अरिबा के लिए तालियां बजाएं और अरिबा आज आप इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारे डायरेक्टर साहब को, प्लीज आगे बढ़िए, आई 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 अरिबा प्लीज, वी वांट टू नो हिम, अच्छा ओके, मैंने ये पहले कभी नहीं किया, ये बहुत टफ है लेकिन जनरल ट्राई माय बेस्ट, मैं अपने डायरेक्टर को इनवाइट करना चाहती हूँ इन दिस शो ए प्लस के कदम कदम इश्क के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर काशिफ सलीम, बिल्कुल ठीक है, अगर ये बताए ना कि डायरेक्टर हैं तो लगता है ऐसे आप भी एक्टर ही हैं, है ना, बिल्कुल सोच तो मैं यही रहा, बिल्कुल एक्टर वाले गेटअप में और उसी उसमें आप आते हैं, आप कैसे हैं, मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस कदम कदम इश्क का, बहुत मजे का एक्सपीरियंस है और इनफैक्ट अभी चल ही रहा है, थोड़ा सा काम इसका बाकी है, हीरो हीरोइन आपके सामने खड़े हैं, क्या खूबसूरत आपने रोमियो जूलियट की जोड़ी बनाई है, ये क्या सोच के आपने इनका कपल बनाया था कि यार ये हीरो और ये हीरो, और ये सारा काशिफ का आइडिया था टोटल के, मैं तो काशिफ को ऑनेस्टली, तुम नफरत मत करना, मेरे काशिफ को कहा था, मैंने कहा काशिफ तुम इसको ले लो उसको ले लो, काशिफ ने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ अरिबा को ले रहा हूँ, नई लड़की है, बहुत फ्रेश अपील है, वापसी की फ्लाइट हमारे साथ है तो लेकिन आई एम सो ग्लैड कि इसने अरिबा को कास्ट किया एंड वी हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, आप लोग स्क्रीन पे केमिस्ट्री देखिएगा, हम यहाँ पे भी केमिस्ट्री देख रहे हैं, केमिस्ट्री होना अच्छी कितनी जरूरी होती है एक्टर्स के लिए, तो बहुत ज़रूरत है क्योंकि ऑन सेट कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्टर्स की आपस में केमिस्ट्री नहीं मिल रही होती तो उसका रिफ्लेक्शन सीन में आ रहा होता है, व्यूअर आराम से जज कर रहा है कि ये शायद आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है या लड़ाई करके पड़े, तो हमारे सेट पे हमेशा एक आई स्वेयर मैं अगर आपको बात करता हूं, हमारे सेट पे अगर आप आए ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई सिटकॉम या कॉमेडी सीरियल बन रहा है, लेकिन ये था इतना, हालांकि इश्क में तो रोना, आपको तो इसमें आप रोए बहुत ज्यादा रोया है और इसको मैं बताता हूँ, मैंने आज से पहले कभी मैंने और उसपर ने जितना भी पहले काम किया वो ज्यादातर लाइट मोड या कॉमेडी किया, और काशी मेरा 20 साल से बड़ा जिगरी दोस्त है, ठीक है, तो मैं जब भी कोई रोने का सीन करूँ या जी मुझे कहता था कि ऐसे करना, मैं इसको देख के ग्लेयर ना, तो ये मैं देख रहा था मॉनिटर देख के हंस रहा है, तो तू हंस क्यों रहा है, देखो मुझे लग नहीं रहा तू रो रहा है, ये दो सेकंड में ना ऐसे ग्लेयर और ऐसे आंसू के, मुझे आदत नहीं है इसको रोते हुए देखने की, तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम रो रहा है तो मुझे उस पे हैरानी होती थी कि और बहुत रोया है, क्या पता कौन से इश्क को याद करके रोना, ये आप पहुंच गए सही जगह, बिल्कुल सही जगह, निशाने पे तीर लगाया है पर आपने, क्या बात है, ये बात है, ये मैं मानता हूं, ये मैं पूरी तरह से मानता हूँ
क्या आपने रचाने पे लगाया, मेरे ख्याल से रोना कभी ऐसे ही नहीं आ जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्शन से कट तक की जर्नी होती है ना, उस वो आपकी जिंदगी की, एक एक्टर की जिंदगी की, डायरेक्टर की जिंदगी की सबसे ऑनेस्ट जर्नी होनी चाहिए, एक्शन से कट तक जब आप परफॉर्म कर रहे हो। और मेरे ख्याल से उसके अंदर आप जितनी भी सच्चाई पुरानी माजी की, हाल की, मुस्तकबिल का तो कुछ कह नहीं सकते डालते रहे, तो मेरे ख्याल से काम अच्छा होता है। अच्छा, ये सच्चाई नंबर कौन सी थी वैसे, इतना बता दें जो आपको ज्यादा याद आती है। मुझे पता है, मुझे एक्चुअली याद वो लोग नहीं आते, मुझे याद अपना आप आता है कि जो मैं बन गया था उस पूरे प्रोसेस में। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि यार वो बड़ी अच्छी थी या ये बड़ा अच्छा था या उसका बाप अमीर था, आई मीन टू से कि उसका दिल बहुत अच्छा। देखा देखा, अब्बा का इमारत भी इश्क में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। लेकिन अभी बहुत सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, हमारी बहुत प्यारी सी कास्ट मैं बता रही हूँ आपको, ए प्लस का ड्रामा सीरियल जो आज से आप देखना शुरू कर रहे हैं और आपने मिस नहीं करना रोजाना 8 बजे कदम कदम इश्क। लेकिन आज हम क्या करने वाले सुबह में वो देखने के लिए ब्रेक के बाद आप देखिए। करेंगे और आपने अस्तर को देखा, हिबा को देखा और इन सब की जो कारिस्तानी थी मेकिंग, ऑब्वियसली डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर काशिफ, जो कि आज सुबह मेरे मेहमान है। सारी बातें छोड़ें अस्तर, ये बताएं आपके होंठ इतने रेड कैसे हैं है ना, इतने वो मतलब आपके लिप्स इतने, मैं सिगरेट नहीं पीता नहीं बाकी कोई टिप है इसकी तो सारी लड़कियां चाहती हैं कि मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं। अच्छा, बहुत लोग समझते हैं कि मेरा लिपस्टिक लग गया, मैं लाइव लिपस्टिक उतार के दिखाता हूं आपको, ये देखें, नहीं लगाई भी कुछ भी नहीं लगाई भी, मैं भी सीरियसली यही समझ रही थी। ये देखिए, सब ये समझते हैं कि कुछ कलर लगाए, जबकि इनफैक्ट कभी कभी ये मुझे बेस लगवाता है कि रेड क्यों लग रहे हैं, बहुत ज्यादा रेड हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है लिपस्टिक लगी। लेकिन देखिए, कश्मीरी कश्मीरियों का हुसन होता है, मैं आपको आए, आए, कश्मीरी लोग होते हैं ऐसे हैं, क्या करें, क्या बात है। आपने सिर्फ होंठ देखे, मेरा धड़कता हुआ दिल नहीं, आए, 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 क्या बात है, नहीं वो होंठों में धड़कता हुआ दिल भी नजर आ जाता है। इसे उसमें से जो जुमले, जो बातें, जो इंटेंसिटी निकलती है वो आपके दिल की तो अकास है ना। एब्सोल्युटली। अच्छा भैया, कदम कदम इश्क क्यों, सांस सांस इश्क, बूंद बूंद इश्क, कतरा कतरा, वो बहुत सारे इश्क, कदम कदम इश्क। अगर आप ड्रामा देखें और असफर का कैरेक्टर देखें तो उसमें यही मेंशन हो पा रहा है कि ये हर सांस, हर कदम कदम पे इश्क कर रहा है अरीबा से, इससे। अच्छा, हाँ, और वो चांद के लिए जो है वो पागल है। इनका नाम चांद है, अरीबा चांद है। वाह, जब मुझे पता चला था आजकल पढ़ के कि चांद है, तो मैंने 10 दिन लगाए थे, 10 से 15 दिन लगाए थे, एवरी डे मैं मैसेज करती थी अब काशिफ को, ये चांद ही रहेगा नाम, ये नाम चेंज नहीं होगा, ये चांद ही रहेगा। लेकिन लास्ट में मुझे भी लगा कि आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम, अच्छा लगेगा लोगों को, यू नो। हाँ, वो जरा सा हम दोनों सेटिस्फाई हो पा रहे थे, भी जा रहा था जब मैंने वो स्क्रिप्ट को कंप्लीट पढ़ा आगे, क्या लोग प्यार में चांद, जान, हनी, पता नहीं क्या क्या, जुगनू, जानू, जानू, पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं प्यार में, तो देखिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, बेबी, बेबी, प्यार में बेबी कहने का क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे ये नहीं समझ आता। देखिए, लड़कियों को बहुत शौक होता है ना बच्चा बनने का, मैं नहीं कहूंगी तो बेबी बन रही होती है ना ज्यादातर, लेकिन ओके बेबी, अच्छा चलो बेबी, और अच्छी बात है बेबी बोलने से वो कन्विंस भी हो जाती है। अच्छा अरीबा, अगर इन रियलिटी कोई चूज करना हो कि कोई आपको चांद कहे, जान कहे, जानू कहे, और क्या होता है, डार्लिंग कहे, स्वीट हार्ट कहे, हनी कहे, बेब्स कहे, हनी बनी बेब्स तो बिल्कुल ना कहे, अच्छा बहुत बुरा लगता है, जुगनू, ठीक है, आई मीन मेरा नाम ले ले, मेरे नाम को थोड़ा सा शॉर्ट कर दे, या फिर मैं शॉर्ट क्या करूं, हां अरी नहीं, बीबा, मुझे बहुत सारे लोग ईबा, बट दे इजी है ये, यू नो मेरे नाम के साथ लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अरीबा के जो फैन क्लब्स है ना ऑन इंस्टाग्राम, वो इतने मजे मजे के नाम, रीबू, रीबू, माय रीबू, हम भी अब जहाज में पढ़ते हुए आ रहे थे, रीबू। और यू आर इंस्टाग्राम गर्ल? या बहुत पोस्ट लगाती हो आप, मेरा एडिक्शन है इंस्टाग्राम, रियली बहुत ज्यादा। आपको इन्हें सजा देनी हो ना, इनका इंस्टाग्राम ब्लॉक कर, ब्लॉक करा दे, उससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, मैंने बार बताया नहीं, पिक वन नेम ना, इनमें से कुछ भी नहीं, मेरा नाम ले रहे बस प्यार से, कम ऑन यार, मोहब्बत में कोई तो निकले, बेबी बोल दिया, नहीं बेबी साउंड्स बेटर, बेबी, देखा देखा, आई वाज राइट, मैं सही था, आप देखिए, आपकी क्या बात है। अच्छा बस सर, आपको इन सब में से अपने लिए चूज करना हो इन रियल, तो कौन सा आपके लिए हो सकता है? जानी, ये मुझे पता है, जानी, जानी। अच्छा मुझे, मैं तो जो बहुत कहता हूँ, मुझे तो जान बहुत अच्छा लगता है, जान, हाँ,
कि आप चाहेंगे कि जो कोई आपसे प्यार करे वो आपको जान कहे, ठीक है? असफू जान, असफू जान, नहीं तो मजाक कर रहा हूँ, बट आई थिंक जान इज अ वेरी क्यूट जेस्चर कि जान मैं अभी आ रहा हूँ, जान व्हाट्सएप जान, व्हाट्सएप जान आपके शो में कितनी जान है। वेरी गुड, लेकिन जान इसका मतलब दो चीजों का पता चल रहा है, आप एक बड़े खालिस रिवायती आशिक है when it comes to love. Absolutely. And you are a very modern happening आपकी choice of words से मैं आपको honestly अगर आप इश्क या लव की बात करें ना फरहान, आपको honestly बताऊं, I think मोहब्बत जो है ना, ये जितने यंगस्टर्स बैठे हुए, कसम से मैं किसी को मिसगाइड नहीं कर रहा, बट वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मोहब्बत एक बहुत ही इलॉजिकल चीज है, इलॉजिकल चीज, और उसके अंदर इलॉजिकल ही होना पड़ता है। लोग कहते हैं ना अकल के नाखून लो, ये क्या कर रहे हो भाई, तो मोहब्बत के अंदर कभी भी लॉजिक्स नहीं होते, पागल होना पड़ता है तभी तो मोहब्बत होती है, वरना क्या मोहब्बत, ठीक है? तो ये पागल हो जाना चाहिए आदमी को, हाँ जब मोहब्बत हो तो होना, आपके हाथ में नहीं होता ना, खुद ही पागल, और कितनी दफा हो जाना चाहिए, एक दफा, दो दफा, तीन दफा? अब देखिए ये मुझे नहीं पता, बारिश कितनी दफा होनी चाहिए, पानी दिन में कितनी दफा पीना चाहिए, मुझे तो नहीं पता, मोहब्बत हो गई तो हो गई, ठीक है? और मुझे लगता है मोहब्बत एक से ज्यादा दफा होती रहती है, बार 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 होती है, कोई शक नहीं है। यू लुक सो फैबुलस ऑन स्क्रीन ना, और जो इंटेंसिटी आंखों से झलकती है वो कहां से आती है भाई? अरे वो तो एक्टिंग है, और आई थिंक रियल लाइफ में तो आई एम लाइक वेरी हैप्पी गो लकी, वेरी फनी, लाइट मूड यूजुअली, लेकिन मुझे लगता है जैसे सब जब आप छोटे होते हैं तो आपको जाज़िब नज़र चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, कि कोई पुरकशिश शख्सियत है या कोई पुरकशिश दिख रहा है, तो और विद एज आई थिंक आप फिर पर्सनालिटी की तरफ जाते हैं, आप जैसे और बड़े होते हैं फिर आपको साथ चाहिए होता है किसी अच्छी कंपनी का, वो है आप चेहरा सूरत। कसम से मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताऊँ, फरा आप मेरी दोस्त है, वो गाना गाती थी इन अमेरिका, और मैं देखता था कि यू नो शी इज़ अ वेरी नॉर्मल लुकिंग गर्ल, ठीक है, लेकिन उनके पीछे इस तरह के लोग पागल थे सिर्फ उनके गाने की वजह से, और जो उनसे इश्क करते थे, और इस तरह का इश्क मैं आपको क्या, आपसे कोई नहीं इश्क करता? अरे मुझसे तो बड़े लोग करते हैं, मुझसे तो पूरा पाकिस्तान इश्क करता है। आहा, लेकिन कोई खास वन ना जो टिपिकल कभी फैन से इश्क, फैन इश्क टाइप? मतलब एक फैंस जो हैं वो मेरे इंस्टा पे मैसेजेस और इनबॉक्स करके के सेट पे बुला लें या असवर से मिलवा लें, और वो बहुत सारे हैं। और वो मेल है ज्यादा कि लड़की है? नहीं लड़कियां ज्यादा हैं, लड़कियां ज्यादा, लेकिन लड़के भी बहुत प्यार, मैं तो जाता हूँ लड़के लड़कियां ट्रांसजेंडर सब मेरे सब फैंस हो रहे हैं, बिकॉज़ फैंस आर फैंस, उसमें तो जेंडर नहीं है, ऑफ कोर्स भी हो सकता है, एज भी नहीं, और हम जो काम करते हैं ना फरा, ये जो ड्रामा बनाया, मैं आपको बताऊँ ये ड्रामा एक हमारी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन होता है इन लोगों की जिंदगियों से टेंशन निकाल देने की, प्रॉब्लम्स भुला देने की, यू नो कि रात को शाम में जब घर में बैठे ये ड्रामा देखें, रिलैक्स हो, हंसें, रोएं, 10 चीजें सीखें, यू नो इट्स ऑल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी, बिल्कुल, तो इट्स यू नो इट्स फॉर एवरीबॉडी, मैं चाहता हूँ सब महसूस हो, एक दिल में इतने ढेर सारे, प्लीज, ये बिल्कुल गलत बात है, मेरे दिल में इतने दिल नहीं है, बस चंदे की होंगे, अच्छा ये दिल को तोड़ना नहीं चाहिए, मगर इन दिलों को आपको फोड़ना है, ठीक है? क्योंकि जब आप फोड़ेंगे तो फिर इनमें से दिल की बात निकलेगी ना, भड़ास, कोई एक दिल की भड़ास निकलेगी, वो जो दिल की बात है वो बड़ी अहम, ठीक है? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर उस दिल की बात के ऊपर हम चलेंगे, अगर वो दिल की बात अच्छी निकली तो अच्छा होगा, वरना इश्क के इम्तिहान फेस करने पड़ेंगे। वो कौन सा इश्क है जिसके इम्तिहान ना हो? वो इश्क की क्या जिसमें इम्तिहान? वो इश्क की क्या जिसमें इम्तिहान? शुरू करें, चलें, क्या करें? आपने वो सामने वो तीर है, ये नजरों के तीर समझने आप, ठीक है? और आपने किसी भी दिल, अपने पसंदीदा दिल का निशाना लेके उसे तोड़ना है। बहुत सारों का के सारे सारे, सारे, सारे दिल, अभी हम एक एक करके शुरू कर रहे हैं ना, वन बाय वन। चलो, सो शुड आई स्टार्ट? यस, जोर से दिल। तो इसमें से क्या निकला आपके लिए? इसमें से कुछ भी नहीं निकला भाई। अच्छा कुछ निकला? नजर रखनी पड़ती है दिल की बात को निकालने के लिए। अच्छा जी, इसमें से क्या निकला? वाह वाह वाह, पर की जान बड़े आराम से छूट गई ना, कामयाब इश्क, कामयाब इश्क। तो अब इसका मतलब ये कि अब आप हमें बताएंगे कि किसी भी इश्क को कामयाब करने की टिप्स क्या हैं?
आपके सामने बहुत सारे नौजवान लोग बैठे हैं जो मुझसे इसकी टच चाहते हैं। मुझे तो ऐसा कोई आदमियों की भलाई का रोड़ा बनाया ना, आपने लव गिफ्ट देने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, लव गुरु। लेकिन आई थिंक कि यू नो मोहब्बत का सबसे बड़ा जो उसूल है आपको बताता हूँ, वो है बीइंग ऑनेस्ट। और वो चीज होती है फ्रॉम 1 to 100, ये नहीं के ऐसे ही बस मैंने ऐसे ही कह दिया, ऐसे ही कुछ नहीं होता। पहली चीज यू हैव टू बी ऑनेस्ट हर चीज के बारे में। दूसरी सबसे जो जरूरी चीज है कामयाब इश्क के लिए, एक दूसरे को स्पेस दें, सांस लेने दें। 24 घंटे का जो होता है ना, अच्छा चलो मैं लाइन पर ही हूँ तुम बाकी काम कर लो, नहीं लाइन पे मत रहो, यू नो मैं एक घंटे बाद कर लूंगा कॉल, इट्स फाइन, यू नो। तो यू हैव टू ट्रस्ट ईच अदर, आपको इत्माद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट इत्माद होना चाहिए। लग रहा है मैंने पता नहीं कितना अब्बा देख के कि पढ़ लेते तो इतना तो कुछ और बता रहे होते। बहुत अच्छी टिप्स बताइए दो, तीसरी रहेगी है आपने कहा था तीन बताऊंगा ना। हाँ तीसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब भी लड़कों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, जब भी झगड़ा हो या जब भी रिलेशनशिप खत्म हो जाए, कभी भी अपने साथी को आप बेइज्जत मत करा होंगे कि वो तो बहुत बुरी थी, अगर बुरी थी भी फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाए उसकी। क्योंकि मैंने बहुत दफा देखा है ब्रेकअप्स के बाद हर जगह, चाहे वो लड़की अच्छी थी या बुरी थी, उसके बारे में लड़के बुरा कह रहे होते हैं, वो ऐसी थी वो वैसी थी, अगर थी भी तो उसमें मिट्टी डाल के उस बात को भूल जाए। सेम गोज फॉर गर्ल्स आल्सो, रिलेशनशिप खत्म हुआ भूल जाए, मुझे जितने लोग देखे मेरी बात नहीं, नहीं। मुझे भूल जाए। आजकल तो वो गाना आ गया ना, सैया जी से मैंने ब्रेकअप कर लिया बस, और उसके बाद क्या किया, मेकअप कर लिया, शैम्पू कर लिया, पुराने दोस्तों को व्हाट्सएप कर लिया, पूरा वो पूरा एक ट्यूटोरियल है वो आप लोग पढ़े उसमें आपको दौर कितना जाए और दूसरी ढूंढे। अच्छा जी, बड़ी क्या बात है। अच्छा अरीबा अब आप आइए, अब आपकी बारी है, ठीक है। अरीबा की एक छोटी सी ख्वाहिश है, अरीबा गुब्बारे अपने नाखूनों से फोड़ना चाहती है। अरीबा करीब से वार कर लें, ठीक है ना, नजदीक से लगता है कि लग पाएगा, ऐसे करके फोड़ लो जो पसंद है उस दिल को, हाँ नजदीक जाके, हाँ यू कैन जस्ट प्रिक, आसान वाला है, हाँ कौन बताएगा मुझे कौन सा है, प्रिक करें। ओ, तो इसमें से क्या निकला रीबा, आप हमें पढ़ के भी बताएंगे आपके लिए इश्क के इम्तिहान निकले हैं कि आपके लिए भी इश्क पे लेक्चर निकला है। कामयाब इश्क ज्यादा ही नहीं। अच्छा चलो अब आपकी, अब अरीबा आपको बताएंगे कि कामयाब इश्क की टिप्स क्या है। जी कामयाब इश्क का पहला मैं जो समझती हूँ, मुझे लगता है कि आपको लॉयल होना चाहिए, अच्छे से प्यार करें, अच्छे से रहें, एंड बात सुने सामने वाले की और उसे समझ, उसकी भी सुने और अपनी भी सुनाए। क्या बात है, वफादार होना चाहिए। और दूसरी जो बात आपने की उसका मतलब ये कि दोनों टू वे ट्रैफिक होनी चाहिए, अपनी हाँ, ही सुनाते ये नहीं कि सिर्फ बस मैं ही मैं हूँ, नहीं वो भी है। अच्छा ठीक है, और सिखाओ मुझे थोड़ा, टीचर मैं सुन रहा हूँ। कुछ और नहीं, इतना भी काफी, खुश रहें और खुश रखें, ठीक वेरी गुड, जल्दी से आप भी जल्दी से कोई एक लेके प्रिक करेंगे काशिर, अब बताएगा हाँ कोई एक प्रिक कर दें और उसमें से जो निकलता है वो आप हमें बताएं, चलें ओके। तो इसमें से अब आप बताएं क्या निकला आपके लिए। कामयाब सारे कामयाब है, सबने कामयाब है। अब आपकी क्या, व्हाट डू यू से, क्या है कामयाब? आई थिंक यही है कि सबसे पहले रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, जिससे भी प्यार करें। आपने ऐसे सा हिलाया, बहुत रिस्पेक्ट दिया आपने। मेरे ख्याल से लॉयल होना बहुत जरूरी है और गैप रहना भी बहुत जरूरी है, गैप और डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस देना और सुनना बहुत जरूरी है। वरना अक्सर आजकल के जो इश्क बर्बाद हो रहे हैं वो वन साइडेड होके होते हैं कि अगर वो बोल रही है तो वो बोली जा रही है, वो सामने वाले की नहीं सुनती, आप लोग भी नहीं सुनते होंगे, ठीक है ऐसा होता है। टू वे ट्रैफिक होना चाहिए, वेरी गुड। असफर एक दफा और ट्राई करें, हो सकता है, एक वेरी गुड। और असफर के लिए अब क्या निकला, अल्लाह करे कामयाब इश्क ना निकले। आस की नदी से खाली प्यास ही मिली है, कामयाब इश्क नहीं, मैं नहीं ये करेंगे, एक और जब तक ना खाली इश्क निकलेगा। आप करें, अब चलिए मैं नहीं कर, चलिए अब देखते हैं फरा के हिस्से में क्या की जाती है। नहीं फरा, ये तो मजा ही नहीं आएगा फिर आपके लिए जो निकला। नहीं वो बताए मैं या फरा बताए, देखिए ऑडियंस कौन है फरा,
कम ऑन अब मतलब मेरे लिए कामयाब इश्क नहीं निकलना और फरा के लिए देखना है नाकाम देखा मेरे मुझे ये बताओ कि आप तीनों के लिए कामयाब इश्क निकला मेरे लिए क्यों नहीं निकल सकता था मेरे लिए भी निकल सकता था आपके लिए मेरी किस्मत में कामयाब जा रहे हैं अभी मेरी किस्मत में नाकाम इश्क निकला अच्छा आप बताएं मैं क्या करूं बताएं ना तीन टिप्स दे इश्क क्यों नाकाम होता है अच्छा मैंने टिप्स देनी है अच्छा हमने कुछ और सोचा था ओके बहुत आसान है बताएं अगर आपने एक नाकाम इश्क करना है तो इश्क नाकाम क्यों होता है वजूहात नाकाम इश्क होने के तीन रीजंस बता देना तीन रीजंस हां यानी ब्रेकअप की तरफ झूठ धोखा मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक है फिर उसके बाद है ओवर एक्सपेक्टेशंस एब्सोल्युटली टोटली एग्री और तीसरा है खुलूस ना होना एक दूसरे को माफ कर देने की एबिलिटी ना होना आपके अंदर बिल्कुल रिजिड हो जाना हां रिजिड हो जाना मुझे लगता है अगर ये तीन चीजें एक पूरी होगी तो 25% चांसेस है दो हो गई टॉलरेंस होना चाहिए हां तो मुझे लगता है तीन चीजें जिसमें पूरी होगी वो इश्क नाकाम हो जाएगा बिल्कुल सही कह रही है अच्छा अब मैं आपके लिए करने लगी ठीक है ये नाकाम होगा असर के लिए निकली है हमारी नाकाम इश्क थैंक यू तालियां बजा दो असर का भी कोई नाकाम इश्क निकला है वरना अभी तक सारे कामयाब जा रहे अच्छा देखिए मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी मेरे सारे कामयाब अच्छा वेरी गुड लेकिन आई थिंक नाकाम इश्क की सबसे बड़ी नहीं 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 क्या बताएं इसके साथ तो कहानी है असल में बताएं बताएं अब आप जा रहे हैं कि इनमें से कौन सा आप नंबर चूज करेंगे अपने मतलब नाकाम इश्क के इम्तिहान है ना अब मुझे बताइए कि आपने इनमें से कौन सा नंबर अपने लिए चूज करना है जो लकी है अनलकी है कौन सा नंबर चूज करूं बताएं थ्री तीन हाँ थ्री की क्या हाँ? पता नहीं उनके तीन अच्छा लग रहा है सो तीन में से क्या निकलेगा तीन में से तीन कागज निकले तीन में से तीन कागज निकले रख दें यहाँ पे अब एक एक करके ना एक कागज को आप पढ़ेंगे और फिर उसको आप पूरा करेंगे फिर दूसरे इम्तिहान को पूरा करेंगे फिर तीसरे को क्या अबे यार एक मिनट में सलाद की प्लेट तैयार करें मेरा इसको फ्लॉप फ्लॉप हो जाएगा ठीक है ना आइए वो आपके सामने सारी एक मिनट में सैलेड की प्लेट हाँ हाँ तो आपने तैयार करना है ये हमने आपके लिए काट पीट के सब कुछ रखा हुआ है अरे भाई उनका नाकाम इश्क है उनको करने दें अच्छा हेल्प करनी है क्या इतनी अच्छी हीरोइन अल्लाह सबको ये देखिए आप ये देखिए Okay, देखिए मेरी कामयाब इसी वजह से होता मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता खुद ही मेरी हेल्प हो जाती है सर एक मिनट में बनाना है आपने तो सुने कितने मिनट हो गए बस अभी तो खत्म होने वाला मिनट है एक मिनट है सर क्या बात है सो ये देखिए ये प्लेट तैयार करने के लिए मैंने बहुत दिमाग लगाया और ये प्लेट आपको पता ही मैंने सोचा है कि जब सलाद के पत्ते यहाँ होते हैं ना That's it for us. Ready. क्या बात है क्या बात है सर वाह 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 अच्छा दूसरा इम्तिहान क्या निकला था आपका दूसरी अच्छा चीज मतलब ये तीन चार चीजें करनी पड़ेंगी हाँ हाँ दूसरी चीज क्या निकली है क्या लिखा है ये पढ़ के बताएं दस बार कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलो पांच बार मैं तेज बोलूंगा पांच बार फरा तेज बोलूंगा चले डन चले चले कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का 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 पापड़ क्या बात है वाह 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 चलिए और मुझे लगता है आप कच्चा पापड़ पक्का पापड़ ही करते रहते हैं जितना आपने जितना हमने पक्का उसे बोला मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं उमरता हाँ लेकिन ये ना हमने ओरिजिनल डायलॉग रखा हुआ है आपने उसके ऊपर एक्ट करना डब स्मैश करना अच्छा आके दिखा दें एक दफा चले ताकि असर को समझ मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता पहना इधर पुलेके सिंदूरी नथ नू बेच के ओदा खाक No, I don't know. ये देख मुझे तुम्हारी उसमें हेल्प नहीं चाहिए थी
मगर इसमें हेल्प चाहिए। पर मैं इसमें बोलूं क्या? ये जो इसमें तुम सुनोगी ठीक है, ये तुम्हारा अरिबा के लिए तालियां। ये अरिबा आपको बोल के सुनाएंगी। चलिए आप मेरे लिए एक दफा बॉलर बॉलर मारे, ये क्या बात है, मजा आएगा ना हम लोग दोनों मिलकर। चलो ठीक है, पहले आप बोलिए। मौलाना मारे तो मौला नहीं मार सकता पैना। हम पहना तक ही रुकेंगे। सही, चलें। मेरे ख्याल से हमें अगला गुब्बारा फोड़ना चाहिए। क्या लिखा है अरिबा? हाँ, वेरी गुड। अरिबा के लिए भी कौन सा इश्क निकलेगा? नाकाम इश्क। चले आ गए अरिबा इम्तिहान की तरफ। और अरिबा को कौन सा नंबर पिक करना चाहिए ये बताओ। अच्छा मुझे लग रहा है कि मैं करूं नंबर 5। क्यों? अरिबा का लकी नंबर 1 है, वो नंबर 1 जो है वो खोलने जा रही है। चले क्या निकला इसमें से? सबसे पहले अरिबा दिखाएं। नवा आया सोने डायलॉग बोले। चले चलो, मतलब हम अपने वे में बोल देना जैसे हाँ। हम बात करते हैं। अच्छा हम कौन है? अच्छा मैं अपने तरीके से बोल दूं जैसे मैं बोलती हूँ, ठीक है? वैसे ये इसका रियल वाला क्या है? नवा आया है सोनिया। अवे होए। अच्छा नवा आया है सोनिया। नहीं अब थोड़ा अपने तरीके से ये मैं इससे ज्यादा क्या बोलूँ, अपने तरीके से थोड़ा, मतलब अगर अगर अरिबा इसको बोलेंगी किसी को तो वो कैसे बोलेंगी? नवा आया सोनिया नवा। ओके वेरी गुड, ठीक है डन। आपके इम्तिहान ये वाले हैं। नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या है असमर करके दिखाएगा? असमर बहुत अच्छा करता है। ये थोड़ी सी तो होगी माइकल जैक्सन के गाने पर परफॉर्मेंस। यू तो नो यार, असमर को आता है, असमर को आता है। ये आपका टास्क नहीं, असमर को आता है ना। आपके टास्क में कितनी हेल्प की मैंने? दो बार की है। तो माइकल जैक्सन क्यों, अपने पाकिस्तानी गाने पे क्यों ना? हाँ अच्छा, मतलब कौन से गाने पे करना चाहेंगे आप? अरिबा गाना बाप चूज़ कोई एक गाना हम लगाते हैं आपके। एक अच्छा सा गाना लगाइए, पाकिस्तान और पाकिस्तानी गाना, ठीक है? और अरिबा और असफर उस गाने पे परफॉर्म करें। डन। इतने अच्छे लग रहे हैं दोनों, जेल में है ना, हर बंदे का दिल चाहेगा यार जेल में कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा कभी ऑब्सेशन, कभी ऑब्सेशन है जेल में जाने का? अल्लाह ना करे। अरे भाई कहते हैं कि ये तो बड़े बड़े लोगों का काम होता है जेल जाना। अगर आशिक को बड़े लोग नहीं बनना चाहते, आशिक को मारने के बाद जेल चले। अच्छा चलो अब हम देखते हैं किसको उम्र कैद की सजा होगी और कौन बाइज्जत बरी होगा, ठीक है? और उसका फैसला जो डायरेक्टर के साथ सवालात के साथ होगा। सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। फिर आप काशिफ सलीम साहब, आप पे ये इल्जाम है कि आप पहले कदम तो उठवा लेंगे तो सच बोलेंगे। हां चलिए हलफ उठाएं। आपने हलफ तो उठवाया नहीं, हलफ उठवाएं। फिर हलफ उठाएं, जो कहूंगा स्क्रिप्ट के हट तक जो कहूंगा सच। ओके वेरी गुड। सो पहला सवाल आपसे, सेट पर कौन देर से आता था? मुझे पता चल गया, आई नो। सो ठीक है, सही, बिल्कुल सही। आई कांटेक्ट चल रहा है हमारा। काशिफ काशिफ ने कह कह नहीं, कुछ कह भी नहीं पाते। हाँ और कुछ कहा, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कह भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों में से कौन ज्यादा मेकअप करता है? ये तो तस्वीर से साफ जाहिर है। नहीं नहीं, दोनों में से ज्यादा मेकअप कौन करता है तस्वीर देखो। हीरोइन को जरा ज्यादा खूबसूरत दिखाना होता है, हाँ। तो वो जरा मेकअप में टाइम ज्यादा लगाती है। हाँ।
मैं मेकअप में टाइम कब लगाती हूं? और आप देखिएगा मेरे बिल्कुल कोई अच्छा मेकअप नहीं है, बाल बनने में थोड़ा टाइम, रॉन्ग सवाल है। मैं मेकअप की जिंदगी मेरी क्या है, माय मेकअप वाज लाइक 15 मिनट्स, अभी मैं खुद करके आई हूं। अच्छा हां, अरे 15 मिनट में की है, 15 मिनट में तैयार हो जाती है, 1 घंटा बालों, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ये तुम कौन से सेट की बात कर रही हो? इसी सेट, इसी राम की। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल से ज्यादा डाइट कॉन्शियस कौन है, कौन ज्यादा नखरे कहते हैं आज तो मैं बिल्कुल लो फैट लूंगा, मैं बिल्कुल प्रोटीन टाइप का खाना, मेरा नहीं, नहीं ये वाले नखरे थे इन लोगों ने बिल्कुल भी, दोनों में से फिर भी निस्बतन अरीबा थोड़ी सी कॉन्शियस है, मैं और असवर तो पार्टी करते हैं सर, हम लोग तो निहारी पाया क्या कुछ हमने नहीं खाया। स्क्रिप्ट का चोर कौन है, किससे स्क्रिप्ट याद नहीं होता? अरे ये काशिफ ना हर एक पे तालियां, अरीबा के लिए तालियां। असल में यहाँ पर हमारे दो को-स्टार्स और जो नहीं आए हैं उनका सब मेरे ऊपर आ रहा है, लेकिन ठीक है नया था मेरा। अभी तक तो असवर को लग रहा है कि बाइज़त बरी हो जाएंगे और आपको ना इश्क जेल हो जाएगी। दोस्ती का फायदा, अच्छा ये दोस्ती कोई नहीं चल रही, दोस्ती चल रही है। नहीं, मैंने कहा था जो बोलूंगा सच बोलूंगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट, दोनों में से सेट पे ज्यादा गॉसिप कौन करता है, घड़ी घड़ी फोन किसको आता है, किसको एक मिनट एक मिनट, हाँ 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 हाँ, सबसे ज्यादा असफर के फोन आते हैं, वो भी उसके फैंस वगैरह बहुत हैं ना, और फैंस फोन करते हैं, फैंस बहुत हैं, और फैंस से गप्पे लगाते हैं, तो देखिए फैंस से बात करनी चाहिए। हाँ, और फिर बताइए हाँ या ना। मैं तो अपने फैंस के लिए कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे लगता है हम लोगों को ये लोग बनाते हैं सारे। ठीक है, आप भी फैंस और आपको मतलब सेट पे, सेट पे हम लोगों को ये बनाती है। ओके, गॉसिप करने का शौक दोनों में से किसको ज्यादा है, गॉसिप चुगलियां, यू नो तुम्हें पता है क्या हुआ? अस्पर 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 अस्पर। अच्छा अस्पर, वेरी अनलाइक मुझे कहते हैं हीरो, ये तो क्वीन किंग, बस कर दो। अच्छा बिल्कुल नहीं, मैं बदनाम हूँ। ओके जी, कौन सेट पे घर से आए हुए खाने का बड़ा शौकीन है, कि घर से बनवा के लेके? हमारे डायरेक्टर साहब खुद, दोनों बहुत शौकीन है, दोनों बिग वन ना, दोनों में से कौन? आंखें दिखा दो। असफर ज्यादा खाता है, अरीबा डाइट पे है तो बहुत कम कम, सेट पे असफर खाता है। तो इसके किसको लाएंगे स्टार, अरीबा को? अरे आप चुपके बोले, किसको लाएगा? अरीबा को। घर पे आए मैं खाना नहीं खाती, इसका मतलब नखरे नहीं करती, जो आ जाता वो खा लेती है। कौन ज्यादा रीटेक्स करवाता है, अरे नहीं अच्छा नहीं हुआ, एक मिनट एक दफा और कर ले। उसकी रीजन कुछ ऐसी कि अरीबा का सेकंड प्लेयर है, तो अरीबा अपना 100% चाहती है कि वो दे, तो इसलिए उसकी रीटेक्स कुछ, क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी कम होती है, तो हम चाहते हैं कि बार बार अच्छा वाला टेक लें, तो उसमें असफर तो अब पढ़ता है सिर्फ और दे देता है। वेरी गुड, क्या बात है अरीबा, आपको उम्र कैद होने वाली है। अभी तक असफर जो है वो 5 स्टार तक पहुंच गए हैं, 5 स्टार पे जो है, और आप अभी 3 स्टार हैं, हालांकि 3 स्टार का मैं भी नहीं आई हूँ ना, बच्ची है, जर्नल बहुत मजबूत होता है, लेकिन ये कि हमें स्टार ज्यादा चाहिए है यहाँ पे, जितना ज्यादा बड़ा स्टार उतने ज्यादा स्टार। ठीक है, सो नेक्स्ट आखिरी 2-3 सब क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें अब क्या बनता है। सेट पर कौन खुद डायरेक्टर बनने का बड़ा शौकीन है? बस करो यार, पूरी पूरा सीन चेंज करा देता है समटाइम्स, काशिफ को बोल के सुनो इसमें अरीबा को बुला दो, अरीबा आपको सच बताता हूं, अरीबा काजल लगा लो आंखों में, बड़ी प्यारी आओगी, छोड़ो ये पेन लो प्रॉमिस अस पर। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं देखिए काजल से ना मुझे लगता है लड़कियां बड़ी प्यारी हैं, आई लव काजल, हाँ आपने देखा है मुझे काजल, लेकिन मुझे लगता है काजल बड़ी एक बेहतरीन चीज है, लड़कियां बिल्कुल मेकअप ना करें, और देखिए बिल्कुल मेकअप ना करें और सिर्फ काजल डाल लें, तो आई थिंक काम हो जाता है सारा। अच्छा लेकिन कोई इशारा देखा, कोई भी सीन होता है ना, मैं कसम से मैं कभी भी काशिफ के काम में टांग नहीं अड़ाता हूँ। ठीक है, जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर है, मैं एक्टर हूँ तो मैं एक्टर हूँ। ठीक है, दोनों में से शॉर्ट टेम्पर कौन ज्यादा है, किसको गुस्सा ज्यादा? नहीं नहीं, मुझे तो गुस्सा कौन एकदम से हाइपर हो जाता है, मुझे गुस्सा कहाँ आता है? टाडा, कहाँ गुस्सा, ऐसा नहीं होता, यूं तो नहीं होता, वैसे नहीं होता। अच्छा वेरी गुड काशिफ,
वाकई में? अच्छा मुझे लग रहा था उस पर को आता, लेकिन फिर फॉरन उसका गुस्सा भी शायद दो सेकंड का होता है, बोल के चली जाएगी वापस हंसती भी आ जाएगी। चले आए, मैं आपको बताऊँ ये जो आप ये जो है ना, ये हम दोनों के बीच में है ना कि हम दोनों में से ज्यादा किसको आता है। मुझे तो खैर बिल्कुल आई लव माय जॉब, मैं तो सेट पे आई थिंक आई एम ऑलवेज इन अ गुड मूड, लेकिन अरीबा को भी जो गुस्सा आता है वो बड़ा मतलब माइनर होता है, थोड़ी देर के लिए आता है इसको। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आता है, ब्लैक कॉफी पीता है। आपके ख्याल में किसको हुई है उम्र कैद? अरे पर पागल हो गए, मुझे क्यों हो गई उम्र कैद? बताइए ना किसको हुई है, क्या हो गया भाई? नहीं अब तो असफर को उमर कैद कैसे हो गई? असफर के तो कितने स्टार्स हैं, कितने मेरे सच्चे फैंस हैं सारे। बस ये देखिए, ये हमारे मुल्क का सबसे, बस एक लड़की अगर रो रही है तो उससे वो जीत जाएगी। बस अरे भाई वो रो रही थी बेचारी, अरे देखो तो उसे किया क्या है। अच्छा आपको असर आपको लगता है कि लड़कियों को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना लड़कों को करना पड़ता है? नहीं, मेरे ख्याल से आजकल जो हमारा मीडिया जहाँ पे खड़ा हुआ है, हमारी इंडस्ट्री आजकल, सिर्फ जो अच्छी एक्टिंग करेगा वो सर्वाइव करेगा, वरना आपकी कोई जगह नहीं है। यू शुड नो द क्राफ्ट, आपको काम आना चाहिए सर्वाइवल के लिए। आपको चांस पहला ब्रेक जरूर मिल जाएगा। पहले 5 सालों में मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत लड़के लड़कियां नए आए थे, लेकिन सर्वाइव सिर्फ उन लोगों ने किया जिनको एक्टिंग आती है। ठीक है, क्योंकि वो जो न्यू कमर्स आ रहे हैं ना, वो ज्यादा कॉन्शियस अपने गेटअप और मेकअप पे होते हैं कि बाल अच्छे आने चाहिए, मैं मेकअप अच्छा आना चाहिए, उनको फोकस एक्टिंग पर, एक्टिंग में नहीं होता। ओके, कदम कदम इश्क के मुकदमे में मुलजिम राहील को असफर को बाइज्जत बरी किया जाता है। जबकि मुलजिमा अरीबा को सजाए मौत सुनाई दी जाती है। सुनो ये शो बहुत कंट्रोवर्शियल है, अंदर से अंदर खाली की सजा, हम बहुत फ्रेंडली हो गए। चांद हाँ, मुलजिमा चांद पे भेजो, उम्र कैद इश्क जेल की सजा दी जाती है। वाह वाह वाह। अच्छा वैसे अरीबा, लड़कियों से शादी हुई भी है इस पर, किस तरह पूछ सकते इश्क जेल का कब तक इरादा है यार? कब तक कोई शादी मादी वाला सीन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी तो इसको हम फ्लाइट में बोलते हुए आ रहे थे कि सुनो 5 साल तक शादी ना शादी नहीं करना। बस वो कह रही है हाँ, अभी उसका खुद का भी इरादा नहीं। मैंने तो अच्छा मशवरा दिया, उसने तो कहा 20 साल तक ना करना, उसने कहा तुम 20 साल तक शादी ना करना, 20 साल तक ना, उसके बाद वैसे ही नहीं होगी। अपने मैंने तो मैं आगे से क्या कहा था, वो ना बोलना, वो क्या कहा था, क्या कहा था वो मुझे अभी कुछ ऐसा नहीं दूर दूर तक नजर आ रहा है, पर जो भी होगा आप लोगों को ऑफ कोर्स पता चल जाएगा। हो सकता है नजदीक नजदीक में ना, दूर नहीं नजर आ रहा हूँ, इतना नजदीक भी नहीं इतना दूर भी नहीं, बीच में गई हूँ मैं। ठीक है ठीक है। और शादी अपनी मर्जी से होगी, अम्मा अब्बा की पसंद से? दोनों मिल के बैठेंगे फिर बात होगी। ओके, सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होनी चाहिए जिससे शादी हो, उसमें क्या चीजें जरूरी होंगी के लिए? लिस्ट? हाँ, मेरी कोई लिस्ट नहीं है, मुझे कि इंसान अच्छा होना चाहिए, तमीज़दार, बस अच्छा इंसान, इज्जत करे, हम इज्जत करें, गाड़ी ना हो, गाड़ी ना, गाड़ी घर, गाड़ी घर होगा ना, मुझसे शादी करना तो गाड़ी घर वाला ही होगा। अच्छा, यानी वो तो मतलब गाड़ी घर जरूरी है, गाड़ी घर नहीं, ये तो हमारी जरूरियात है। ठीक है, मैं एक बहुत अच्छा बंदा है, बड़ा तमीज़दार है, रिक्शे वाला है, अब वो ऑफकोर्स उसका अब शोर कोई चांस नहीं होगा। तो गाड़ी पैसा होना चाहिए लेकिन उसके साथ तमीज आना चाहिए। ओके, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। मेरी कजन है जो नेहा प्ले कर रही है, और इसी तरह अरीबा का एक बेस्ट फ्रेंड है जो यासर अली खान प्ले कर रहे हैं, दोनों न्यू कमर्स हैं। और ये चारों जो हैं ये कॉलेज हम फ्रेंड्स, सब एक यूनिवर्सिटी एक ही कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो वो इनके इश्क में वो टांग अड़ाते हैं, वो असफर के पीछे पागल है, वो लड़की असफर के पीछे पागल है, वैसे भी थोड़ी सी है असफर, वैसे भी वो पागल है। अच्छा, नहीं वो बड़ी अच्छी है लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, शी इज अ गुड एडिशन, पहला सीरियल है उसका। अरीबा, अगर मैं एक फरमाइश करूं, अगर आप एक डायलॉग मोहब्बत का एक डायलॉग बोल के हमें दिखा दें, उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की आपकी तारीफ की है ना, मोहब्बत के डायलॉग मैं इस ड्रामे में बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, सारे डायलॉग इसीलिए मैं चाह रही हूँ, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नहीं मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, ये
मोहब्बत में मोहब्बत अब बोलोगी ना तुम शादी के बाद राहिल मैं तुमसे मोहब्बत क्या बात है कहते हैं कि जो इश्क करता है वो गाना जरूर गाता है वो गाना सुनता भी है इसलिए आपको लगता नहीं बहुत सारे लोग हम बहुत सारे गाने सुनते हैं जब हमारा दिल टूटा हो तो हम बड़े सैड गाने सुनते हैं जब हमारे नया नया कोई मिला हो तो फिर बड़े हैप्पी मजे के गाने सुन रहे हो। अच्छा फरा इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े मैं हमेशा से आप लोगों को भी मैं एक चीज कहता हूँ मैं जब भी शो देख रहा होता तो मुझे लगता है फरा हर किसी से इतनी चीजें पूछ रही होती है लेकिन मैं जब फरा एक्टिंग करती थी तो आई स्वेयर मैं फरा का जो ड्रामा था बंधन आई लव मुझे फरा का काम इतना अच्छा लगता था मुझे फरा का शो हमेशा से इतना डिसेंट एक बैलेंस्ड शो लगता था बदकिस्मती से मुझे कभी मौका नहीं मिला मैं लास्ट टाइम खिदमत गुजार की प्रमोशन के लिए आता मैं सिर्फ फरा आपसे एक सवाल पूछा आप एक्टिंग को मिस नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा नशा है जो चढ़ जाता है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्टारडम ये जो काम ऐसा है काशिप बिल्कुल मुझे लगता है काम ऐसा है कि काम छूटता नहीं है फिर आपका दिल चाह रहा होता है आई लव बीइंग ऑन सेट थोड़ा मुझे सच सच बताएं डू यू मिस एक्टिंग मैं जानता था कि आपने छोड़ा क्यों है मैंने छोड़ा क्यों बस मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ किसी चीज को अचानक मेरे अंदर बुरी बात है लेकिन मैं मिस नहीं करती लेकिन अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो आप करेंगे शायद कर लूं क्या आप लोग चाहते हैं फरा एक्टिंग करें Yes, देखिए फरा I think you owe it to your fans. Okay, मैं acting करूँ. Of course. एक serial तो आप मेरे साथ करें. Oh, very good, done. अच्छा, अब मैं आती हूँ गानों की तरफ. अब हम आने लगे हैं कदम कदम इश्क के गानों की तरफ. Best singer है. बाकी? बहुत खुदा अच्छा गाता. काशिफ. Album पे काम कर रहा है. चलेगा. मेरे बजाने. अच्छा, अब लेकिन गाने इधर अभी different चलेंगे. यानी instrumental music चलेगा. गाना बूझना होगा और बूझ के फिर वो हमारे म्यूजिशियंस के साथ गाना होगा ठीक है लव सॉन्ग लेकिन यही बैठ के ना हाँ यही बैठ लेट्स स्टार्ट पहला गाना दे आपने गेस कर लिया था आपने माइक उठाया गाएं तो आप आपने माइक उठाया तो इंस्ट्रूमेंटल तो बजाएं चलें चलें ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों मेरी बस अब अगला गाने पे चलते ना फास्ट फॉरवर्ड अच्छा चले चले जी नेक्स्ट गाना नेक्स्ट म्यूजिक प्ले करें अरीबा ने कोई गाना गैस नहीं करना मुझे पता है काशिफ ने किया काशिफ ने किया गैस काशिफ ने गैस कर दिया काशिफ नेक्स्ट गाना अब अरीबा गाएगी क्या था ये हमें तुम चले, चले, नजर से गिरा जो रहेगा हमें तुम नजर से गिरा तो रहे हो हमें तुम कभी भी भुला ना सकोगे हमें तुम नजर से गिरा तो रहे हो हमें तुम कभी भी भुला ना सको अरीबा नेक्स्ट गाना आप पे अब जो भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करें अच्छा मैं गाना मुझे नहीं गा सकती प्ले करें गाना आप भी पसंद का हो तो फिर आप गा लेते हो इसका मतलब है कि आप बड़ी वही ना वही जो मैंने पहले गेस किया था कि आप बड़ी अपबीट लेटेस्ट है मैं तो ओल्ड स्कूल हां आज पर ओल्ड स्कूल ठीक है चलें जी प्ले कीजिएगा दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल
जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल आपके सामने पुराने गाने पुराना कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा वही न्यू आप है? नहीं नहीं मुझे भी रफी और ये सब बहुत सुनती हूँ, पुरानी फिल्में भी देखती हूँ वाकई, लेकिन गाती नहीं हूँ आप, गाती नहीं, नहीं गाने जो है वो नए अच्छे लगते हैं। ओके जी, डोंट फॉरगेट टू वॉच, आज से आप देखना शुरू कर रहे हैं प्लस की ड्रामा सीरियल, क्या नाम है आपकी ड्रामा का? कदम कदम इश्क। कदम कदम इश्क, और ये ड्रामा सीरियल आप आज से प्लस की स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसकी कास्ट से मिल रहे हैं, एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। रुके नहीं हम कदम कदम इश्क हुआ मेहमान, मैं असफर अरीबा को धक्का देता है ना पहाड़ से, है ना, इनका नाम भी कल को याद किया जाए हिस्ट्री में, जैसे लैला मजनू और दूसरी कहानियां याद रखी जाती है। क्या थॉटफुल बात, अब याद रहने के लिए लोगों को बंदा मर जाए हाँ, कि यार कल को मुझे लोग याद रखेंगे मैं आज मर जाता हूँ, और आने के लिए कुछ तो करना पड़ता ना। तुम्हारा क्या नाम है? ज़ुरैन हैदर। ज़ुरैन, मैं तुम्हें याद रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें याद रखूँ। अच्छा चले, लेकिन ये एक ऑप्शन है भाई, लेकिन लड़कियों को ये लगा कि मिल जाएंगे इवेंचुअली और एक एक हैप्पी एंडिंग जो है वो होगी। चले आप लोगों को मैंने बोर्ड्स दिए, तीनों हमारे डायरेक्टर समेत दोनों हमारी आज की कास्ट, हाँ या नहीं, ठीक है? ऑनेस्ट, सबसे पहले हाथ उठा के ऑनेस्टी प्लेट हम एक करेंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, सच के साथ कुछ नहीं कहूंगा, जो कहेंगे जो कहूंगा सच को, और सच के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? चलें, पहला इश्क जिंदगी में किस उम्र में हुआ, मतलब बचपन में, क्या बचपन में इश्क किया है? इकट्ठा चाहिए तीनों का, हाँ अच्छा, मुझे नहीं, कैमरे को भी दिखाए ना। अच्छा ये कैसे हुआ कि दोनों लड़कों ने बचपन में इश्क किया और हम दोनों ने नहीं किया? बहुत फारिग टाइम होता है लड़कियों के, लड़कों के पास, स्कूल में ही हो गया, हो सकता है हमसे किया हो लोगों ने, है ना, आप तो हो गए, हमें थोड़ा बाद में इश्क करने का वो आया हो। ओके, इश्क ने रात भर जगाया, कभी सारी सारी रात जागे हो आप और वो किया, इकट्ठे इकट्ठे फटाफट दिखा रहा है, सोचना नहीं है, हाँ वेरी गुड, इस बहाने में पता चल गया कि जनाब ने इश्क किया है, किया हुआ है वेरी गुड। अच्छा जी नेक्स्ट, इश्क ने रुलाया है सारी रात रोते हुए तकिए भिगोते हुए गुजरी हो, क्यों इश्क रुलाता नहीं है? अरे वो इश्क ही क्या रुलाए ना, जो तुझे टफ टाइम क्यों दे रहा है इश्क, नहीं रुलाया है लेकिन नॉट पूरी रात में, पूरी रात नहीं आधी रात, हाँ आधी रात तक मैं निकल जाता था फ्रेंड्स के साथ, ये बस हो गया है। अच्छा हर चीज की एक लिमिट होती है, पूरी रात नहीं रोया कभी, अच्छा रोया हूँ डेफ इश्क में जरूर रोया, बट नॉट पूरी रात, करने में सबसे पहले लड़कों ने बोर्ड खड़े किए थे मगर इश्क में रोए नहीं है, रोया हूँ पूरा नहीं, पूरी रात, पूरी रात में तकिया बदल दिया, पूरी रात में। ओके अच्छा, इश्क ने कभी किसी को धोखा दिया, किसी को धोखा दिया, हाँ तो और चीज़, ये धोखा मिला हो? नहीं धोखा दिया, धोखा दिया नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं, आगे का पता नहीं। और कभी इश्क में धोखा खाया हो, इश्क में किसी ने आपको धोखा दिया हो? हाँ मुझे भी नहीं,
मुझे तो नहीं है। याद आ गया ना आपको? याद आ गया वो वाला मिस कर रही थी। याद आ गया। वेरी गुड। धोखा हुआ था। वो धोखा ही था। अच्छा जी पूछ लो ये सवाल जरा टेढ़ा सा है, पूछ लो। अरे बैक वक्त दो लोगों से कभी इश्क फरमाया हो इकट्ठा एट ए टाइम? एक का फोन आ रहा है बीच में दूसरे का आ रहा है और आपने पहले को कहा एक मिनट होल्ड करना, मैं एक मिनट होल्ड करना, अम्मी की कॉल आ रही है। ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है लेकिन उन दोनों में से किसी एक से इश्क था लेकिन ये सिचुएशन थी। हाँ अच्छा ये थी? नहीं 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 नहीं। अच्छा वैसे आई मिस इट होना चाहिए, ये भी क्वाइट एन एक्सपीरियंस। आई नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। ये भी क्वाइट एन एक्सपीरियंस ना होना चाहिए कभी अपने से सिर्फ 2-3 साल कोर्स छोटी यार छोटी लड़के से इश्क हो गया हो लड़के से इनकी ने लड़का मैंने 2-3 साल छोड़ दिया। अच्छा ठीक ऑफ कोर्स 2-3 साल मेरे ख्याल से एज का सबसे बड़ा जो फैक्टर ही होता है फरा एक ज़हनी हमाहंगी होनी चाहिए, मेंटल कंपैटिबिलिटी, यू शुड शेयर द सेम टेस्ट इन म्यूजिक, फूड, ट्रैवलिंग, एक आउटलुक लाइफ का। और मेरे ख्याल से 10-12 साल में एज डज नॉट मैटर। और 10-12 साल अगर छोटी लड़की होती है ना तो मेरे ख्याल से उसकी एस्पिरेशन वो चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी डिफरेंट है। बहुत कम लड़कियाँ मुझे अपने से 10-12 साल छोटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए क्या? देखिए वो आपकी जिससे मेंटल कंपैटिबिलिटी क्लिक हो जाए दैट इज द राइट पर्सन। एज को नजरअंदाज करें बिल्कुल, भले वो ज्यादा हो कम हो, डोंट माइंड एज इज नथिंग, आई डोंट बिलीव इन एज। बिल्कुल सही। अच्छा यार मतलब नया साल भी शुरू हुआ और कदम कदम इश्क जो है वो नए साल के आगाज पे लगा, यानी नए साल का तोहफा है ए प्लस के लिए आप सब लोगों के लिए। नए साल के कुछ प्लान्स भी तो होंगे? मेरा तो एक 2019 असफर रहमान के लिए माय रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर इज के मैं फिटनेस पे तवज्जो दूंगा सबसे पहले, जंक फूड, जिम ज्वाइन करूंगा जो मैं हर साल प्लान करता हूं। अभी जरूरत है? जरूरत तो है, को जरूरत है आपको लगता है? हां जिम की तो आई थिंक आपको हर वक्त जरूरत होती है, इट्स नॉट अबाउट कि आप करके छोड़ दें। जिम तो मेरे ख्याल से हर बंदे को चाहे आप फिट हो अनफिट आपको जिम तो डेली जाना है। ठीक है अब 2019 में जाएंगे। 2019 में आई थिंक आई एम गोना डू दिस। रिलेशनशिप के हवाले से बताइए, कदम कदम इश्क की बात हो रही है, इश्क रेजोल्यूशन कोई इस साल? आई थिंक आई एम गोना गिव मोर टाइम टू माय फैमिली क्योंकि मैं पिछले सालों से नहीं दे पा रहा था, कम दे पा रहा था। ठीक है आई थिंक मैं साल में एक वेकेशन लेता था लेकिन मेरे साथ प्लान किया आई एम गोना टेक 2 वेकेशंस। 2 वेकेशंस लेंगे, वेरी गुड। फैमिली टाइम, फैमिली टाइम, मोर फैमिली टाइम। अरिबा जी ऑफ कोर्स मेरा तो लव रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, मेरा बिल्कुल करियर स्टार्ट है अभी। हाँ। मैं चाहूंगी कि मैं 30 साल 3 ड्रामे तो करूं, एक साल में 3 ड्रामे करूं। हाँ। कम से कम। हाँ। अच्छा और लव रेजोल्यूशन फैमिली लव इश्क? फैमिली को टाइम देना है ऑफ कोर्स, देना क्यों नहीं देना, लेकिन मुझे भी यही है कि मेरे भी मुझे मैं चाहती हूँ वेकेशन के 2 ट्रिप्स हो जाए फैमिली के साथ इस साल। कहाँ कहाँ हो? मेरा हमेशा बस यही होता है यूरोप या अमेरिका क्योंकि वही मेरी फैमिलीज है, मेरी सिस्टर है तो ऑब्वियसली वही उनमें से कहीं जाना चाहिए। ओके और जनाब डायरेक्टर साहब काशिफ? अच्छे अच्छे कुछ 1-2 सीरियल्स हो जाए खुद कर रहे हैं और फिल्म पे काम। ठीक है इसीलिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट है और आप टोटल जो प्रायोरिटी में आप 4 चीजें ज्यादा से ज्यादा जो है पिक करके लगा सकते हैं, कौन सी जो 2018 से 2019 में आप लेके जा सकते हैं, आपको कौन सी 4 चीजें पिक करके लेके जाना चाहेंगे प्लीज अपने अपने स्टेशन पे अपनी अपनी जगह पे? ठीक है तालियां बजाएंगे हम इनके लिए। 1 मिनट है सिर्फ और आपने अपनी अपनी प्रायोरिटीज पिक करनी है, कलेक्ट करनी है और 2019 में से पेस्ट करनी है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये कि मेरे बारे में क्या सोच के ये बोर्ड तैयार किया था, दूसरी शादी, मंगनी शादी, मोहब्बत की शादी, अरेंज मैरिज, मेरी शादी हो चुकी है। ओह क्यों मुझे घर से निकलवा
तो जो दूसरी शादियां करते हैं सब घर से निकल जाते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब अभी अभी उसकी जरूरत नहीं है। और होनी भी नहीं चाहिए यार, until and unless कि आपकी आपकी बेगम जो है वो आपको इजाजत दे उसकी विलिंगली, जो कोई भी खातून नहीं दे सकती। ठीक है, तो फिर दो ही चीजें पसंद की। तो अब इसमें मैं क्या लेके दूसरी? क्यों, नया घर भी तो था ना, वो तो मैंने ले लिया। वेरी गुड, तो मजीद मजीद नहीं लेना है। ओके, दो चीजें, नया घर ले लिया, बॉलीवुड फिल्म हमारे वीजा इश्यूज है तो वो हो नहीं सकती। अच्छा, और गायकी का मेरा कोई इरादा नहीं है। डायरेक्टर पर, डायरेक्टर को लेके जाना चाहूंगा 2019 में कि नया सीरियल हम लोग प्लान करें। नहीं, खुद डायरेक्टर करने का, बनने का इरादा? वो डायरेक्शन करने का नहीं, नहीं अभी फिलहाल तो कोई है, मतलब जिंदगी में, जिंदगी में मेबी हां, लिटिल ऑन द लाइफ, नॉट इन 2019, नॉट ऑन, नो नो, 2019 इज ऑल अबाउट एक्टिंग, आई एम एक्टिंग मोर, मोर प्रोजेक्ट्स टू कम, और ऑफ कोर्स बिजनेस प्लानिंग कर रहा, मे बी यू नो बिल्डिंग अप माय ओन प्रोडक्शन हाउस। ओह वेरी गुड, सो इवेंचुअली आएंगे उस तरह? हां ऑफ कोर्स। अरीबा, अरीबा नहीं, अरीबा नॉट फेयर, स्पोर्ट्स कार्ड वापस, नहीं स्पोर्ट्स कार्ड वापस, अरीबा ने इतने प्यार से स्पोर्ट्स कार्ड लगाई थी यहाँ पे, वो उसको देख के ना आई चेंज माय माइंड कि मैं क्यों लूं, वेस्ट ऑफ मनी है ना, पैसे जमा करूं, नया बिजनेस शुरू करना है। वाकई, आर यू अ बिजनेस माइंडेड पर्सन? बहुत ज्यादा। लेकिन ये तीन चीजें प्रायोरिटाइज, देखिए पैसे जमा करने हैं, हां घर खरीदना है, फिर बच गए पैसे तो गाड़ी खरीदनी है, तीन ऑप्शन। ये इस तरह की प्लानिंग लड़कों की होती है यार, मैंने भी, मैं लड़का ही हूँ ना। ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने, कास्टिंग से पहले? मुझे लगता है हम सब जो काम करती हैं लड़कियाँ घर से बाहर निकल के, हम सब अपने घर का एक बेटा ही है। हाँ, ये बात तो अरीबा ने बिल्कुल सही की, बिल्कुल वर्किंग वुमन जो है उसके टारगेट्स, उसके प्लान्स बिल्कुल मर्दों की तरह ही हो जाते हैं। और हमारे मुल्क में खवातीन का काम करना एक बहुत मुश्किल, अभी तक बड़ी मुश्किलात पेश आती है। सलूट टू ऑल द वुमेन वर्किंग, तुमने घर सपोर्ट करते हैं, सलूट ऑल ऑफ, बिल्कुल। और चले जी, थैंक यू सो मच, एक ब्रेक छोटी सी लेनी है और ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। मुझे लगा कि ये तो लगता है केक के ऊपर नहीं, वो कार्ड लगा के लेके जाते हैं, मिस यू टेक केयर, मिस यू टेक केयर, लिखा है। अच्छा, ये कैसा लव लेटर है भाई? मिस यू, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, मेरी जिंदगी। उर्दू में लिखना था ना? उर्दू लिखी है मैंने। हाँ, उर्दू में लिखना था, उर्दू में लिखना था, ये तो चीटिंग की है। अब इनके लिए हमें आशिक जो है ना वो कोई हॉलीवुड से ढूंढना पड़ेगा जिसको अंग्रेजी आती हो, जिसको उर्दू की जरूरत ना हो। याद नहीं किस जमाने में लोग, मतलब जमाना नहीं, मतलब पढ़े तो होंगे, अब भी लिखते हैं? नहीं पढ़े, मुझे किसने ही भेजे खत? बुरी सी बात है। असफर अपना लव लेटर पढ़े। मेरा लव लेटर ये बड़ा एक खालिस लव लेटर है। जानेबन, तुम्हारी याद में बुरा हाल है, उदास चेहरा, सुस्त चाल है, आज और रात आ जाओ ना तड़पाओ, तुम्हारा आशिक तुम्हारे इंतजार में। वेरी गुड। अच्छा, इस तरह का लव लेटर बंदा दे रहा हो और ऊपर से उस लड़की का भाई आ जाए तो क्या होगा? तो वो नीचे फॉरन कह रहे थे, नहीं आ गया ना वो भाई, आ गया, आप लव लेटर दे रहे, क्या करेंगे आप? मतलब क्या करेंगे, हाउ विल यू डील विद इट? भाई
क्या हो रहा है भैया? ये राशन सारा लाना है। ये देखिए, ये होता है सच्चा प्यार। मेरी बहन ही मिली हुई थी पहले चाल ही होता है। अच्छा वैसे आजकल का दौर कितना सेफ है ना, कि SMS चला जाता है डायरेक्ट इस तरह की, और भेज के डिलीट भी आप कर सकते आपका लव लेटर मेरा। अच्छा मैंने देखा नहीं वैसे असफर को, मेरा असफर का थोड़ा सा मिलता जुलता हो। पढ़े आप? पढ़े ना आप? पढ़े ना जान जाने मन जानू वगैरह वगैरह वगैरह। तुम ना होती तो आज मैं डायरेक्टर ना बन पाता। तुम्हारी याद में सारी रात सोच सोच के आज ये रोमांटिक ड्रामा बनाना पड़ा। कदम कदम इश्क हर जुमे को रात 8 बजे सिर्फ A+। कमाल डायरेक्टर है। वाह वाह क्या कमाल डायरेक्टर है। क्रिएटिव लेटर है। हाँ, मैंने भी एक लिखा है। आपने क्या लिखा? मैंने भी लिखा है। मैं ये अरीबा पढ़ेंगे। हाँ अरीबा पढ़ो। जान तमन्ना जाने तमन्ना इसका एक गाना भी, इसमें एक गाना देर नहीं। अच्छा चलो देर होना चाहिए। इस पे एक गाना भी है। गाना कौन सा अरीबा? वो गाना अगर सुना दो तो मान जाओ। जाने तमन्ना मुझे आता है। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा प्यार भरा अफसाना नहीं अफसाना दिल में नजराना। अच्छा चलो जाने तमन्ना सलाम मोहब्बत सलाम ए मोहब्बत देर नहीं आपका भाई। अच्छा जाने तमन्ना सलाम ए मोहब्बत कल पता चला कि तबीयत नासाज है मेरी उम्र भी आपको लग जाए जल्द सेहत याब हो दुआ गो आपकी आपकी डैश ICU में है वेंटिलेटर पे है वहाँ से आके रुक जाए तो मैं दे दूँ मैं दे दूँगी। ओके अच्छा अब आपने वोट करना है लव लेटर के लिए। किसका लव लेटर आपको सबसे अच्छा लगा? जिनको लगता है कि कदम कदम इश्क की हीरोइन एक बाकमाल मोहब्बत नामा जो है लिख सकी। आइए अरीबा अरीबा यहाँ पे तालियां भी नहीं। जिनको लगता है कि कदम कदम के डायरेक्टर कदम कदम इश्क के डायरेक्टर काशिफ जो है उन्होंने एक बड़ा भरपूर और जिनको A+ की ड्रामा सीरियल कदम कदम इश्क के हीरो असफर क्या बात है यार क्या दिल से इन्होंने खत लिखा और क्या कमाल लिखा है बड़ा जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आप टीम गाना प्ले कीजिएगा प्लीज। लेट्स परफॉर्म ऑन दिस। चलो रिवा यू हैव टू परफॉर्म योर फैंस आर वेटिंग। खुशी में मुस्कुराहट के साथ जो अरीबा ने परफॉर्म किया ना कमाल है। बड़ी मुझे लगता है बहुत जल्द आप दोनों को फिल्म करने वाले हैं। बस देखें प्लान है 2019 में अपने प्लान में नहीं लगाया था लेकिन ये लोग फिल्म करने का प्लान विश ऑल द बेस्ट 2019 आप सबके लिए A+ के लिए जहाँ एक नया ड्रामा सीरियल कदम कदम इश्क शुरू हो रहा है आप सबके लिए जो कि हमें देखते हैं बहुत कामयाबियों का बहुत जबरदस्त साल हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस आज की सुबह भी एंड आई वुड लाइक के इंशाल्लाह हर जुमे वाले दिन आप हमें ज्वाइन किया करें इस ड्रामा सीरियल को देखने के लिए और आपने जरूर बताना है हम पास ऑन करते जाएंगे जो भी फीडबैक आप देंगे असफर को भी और अरीबा को भी और काशिफ को भी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग बहुत शुक्रिया फरहा थैंक यू और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी तब एक दफा फिर उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।
तू है मखी तुझसे अलग मैं कहां इश्क़ अब अल्लाह थोड़ा थोड़ा चल्ला